गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑम स्टडी चैनल। आप सभी का स्वागत है ऑम स्टडी चैनल पे। आप देख रहे हो मेंसुरेशन। ये मेंसुरेशन का लास्ट वीडियो मैं डाल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ताकि आपको इतना दिन से कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया होगा, ताकि आप सॉल्व कर सके फॉर्मूले को। जिस जो भी नए बच्चे हैं वो बार रिपीट कर ले ये पूरा वीडियो, पीछे का पूरा मेंसुरेशन और फॉर्मूला याद हो जाएगा पूरा वीडियो देखने पर। तो आप ज़रूर ध्यान से देखें फॉर्मूला, बार बार देखें फॉर्मूला सेशन, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। और मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत न्यू चैनल है और धीरे 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 ये सब्सक्राइबर अभी बढ़ा रहे हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे से और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट ला सकूं। आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, देख सकते हो यहाँ पे, द नंबर ऑफ बॉल ऑफ रेडियस वन सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड फ्रॉम ए स्पेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब देखो 10 सेंटीमीटर का एक गोला है, उससे 1 सेंटीमीटर का रेडियस वाला छोटा छोटा गोला बनाना है, स्पेयर बनाना है। तो कैसे, तो वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं दोनों का। V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3πr³। तो 4/3πr³ के जगह 10⁻³, ये भी सेंटीमीटर में है। और V2 जो है बॉल का क्या हो जाएगा, बॉल का ये भी 4/3πr³, r का है 1, q। अब दोनों को यदि नंबर ऑफ बॉल निकाले कितना होगा, तो V1/V2 कर लेंगे, 4/3πr³ ÷ 4/3πr³, 1 है, ये भी r³ के जगह 10 रख देते हैं, है ना। तो 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ×10³। अब ये 4/3 तो दोनों में है, पाई भी है, तो कट जाएगा पूरा, बचेगा 10³, मतलब 1000 ही बचेगा। तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इजी से ये सॉल्व हो रहा है। आगे चलते हैं, देखो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए मेटेलिक स्फेरिकल सेल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर्स 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ बेस डायमीटर 8 सेंटीमीटर, देन हाइट ऑफ द कोन इज। बहुत ईजी है, क्या बोल रहा है कि एक एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर वाला एक सेल बना हुआ है, स्पेरिकल सेल, जिसका रेडियस दिया, डायमीटर दिया हुआ है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, तो R1 हो जाएगा, इनर का क्या हो जाएगा 2, और बड़ी कैपिटल R हो जाएगा क्या 4 सेंटीमीटर में। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये सारे क्या हो जाएगा, R1 नहीं लेना, सिर्फ R लीजिए। आगे देखते हैं, ये तो स्फेरिकल का, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, जो मेटेलिक वॉल्यूम है V=4/3, स्फेरिकल है तो 4/3πr³, मतलब r³ - r³, इस तरह से। तो आप देख सकते हो ये ऐसा होगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है, द रेस्ट कोन बनाते हैं, इसी से क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन तब निकालेंगे, तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन मैं भूल चुका हूँ, ऐसे याद नहीं है, तो आप फॉर्मूला रिकॉल कर सकते हो और देख सकते हो कि वॉल्यूम क्या होता है, 1/3πr²h वॉल्यूम ऑफ कोन। तो आप इस तरह से देख के रिकॉल कर सकते हो और रिकॉल करके आप बना सकते हो। तो आगे चलते हैं और वॉल्यूम ऑफ कोन लिखते हैं, 1/3πr²h। हमें r दिया हुआ है, h निकालना है, तो अब ये दोनों वॉल्यूम इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि दोनों का दोनों एक दूसरे से ही बना है मेल्ट करके, तो वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगा। यदि किसी चीज़ से मेल्ट करके बना हो तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, इक्वल होता है, जो भी टॉय है, जो भी पोर्ट बनाया गया है। तो V1
भी और भी सी कौन का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, मतलब 4 पावर क्यू -2 पावर क्यू इक्वल टू इधर 1/3 पाई आर, कितना है 8 सेंटीमीटर, डायमीटर है 8, तो ये क्या हो जाएगा 4² × h, ये तो निकालना है। अब यहाँ 1/3 ये भी 3 कैंसिल, पाई कैंसिल, पाई कैंसिल, तो क्या आ जाएगा देख सकते हो क्या आएगा पाई कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा क्यू में है तो एक क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला भी लगा सकते हो या तो इसको सॉल्व कर सकते हो, तो 64 देता है 4 पावर क्यू, ये 8 देगा इक्वल टू इधर क्या देगा 16 × h, एच इक्वल टू 64 में 8 जाएगा तो 5 6/16, तो यहाँ पे 8 × 2 = 16 होता है, 8 × 7 = 56 होता है, 7/2 मतलब 4 और 3 पॉइंट क्या 5, देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आंसर 7/2 आया है, क्या डायमीटर पूछा हाइट पूछा था ना, द कोन ऑफ हाइट, यस, सो 7/2 आ रहा है। ओके फाइन 16, वेयर वी डन द मिस्टेक, H ये Q था 8 64 56, करेक्ट ओनली 56, इधर से 16 आएगा और क्या, ओके ओके दिस 4 वी मिस्ड यार, 4 वाज देयर नो, दिस 4 वी मिस्ड, सो बी केयरफुल, ऐसे कभी गलती हो सकता है, आप थोड़ा ध्यान दें और चेक करते रहें थोड़ा सवाल को कि ये 4 मिस हुआ है। अब देखो यदि 4 आगे इधर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू 4 मल्टीप्लाई होगा 4 है ना, ये 4 कटेगा 2 से तो क्या हो जाएगा 14 आएगा जो कि ऑप्शन में है। इस तरह से ये नहीं कि अपना कॉन्सेप्ट चेंज करके ज़बरदस्ती आंसर पूरा देना है, ऐसा काम नहीं करना है, उसको कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करना है और थोड़ा फॉर्मूला ध्यान से देखिए मैंने अप्रोच कैसे लगाता हूँ। जैसे ही दिया था वॉल्यूम मेल्ट करके बना रहा है दूसरा चीज़, तो मैंने क्या किया दोनों का वॉल्यूम इक्वल करके और सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि एक क्यूबिकल आइसक्रीम, बहुत मस्त क्वेश्चन है, आइसक्रीम मुंह में पानी आ रहा होगा, एक क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक्स ऑफ एच 22 सेंटीमीटर क्यूबिकल है वो और 22 सेंटीमीटर एच दिया हुआ है, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा वो जान सकते हो, तो क्यूब आइसक्रीम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 20 ए क्यू होता है ये जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम, तो 22 का क्यूब हो जाएगा। अब बोल रहा है इज टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द चिल्ड्रन फ्रॉम आइसक्रीम ऑफ ए रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 4-7 सेंटीमीटर अप टू इट्स आइस इट्स रिम ब्रिम व्हाट इज इट इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु विल गेट द आइस क्रीम कोन इज, कितना चिल्ड्रन ले सकता है वो आइसक्रीम कोन, यदि हम ऐसे इतना बर्फ है मेरे पास आइसक्रीम है और मैं उसे एक कोन में डालते जाऊँ ये चीज़, तो कितना ले सकता है इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम चेक करना होगा, मतलब ये ज़्यादा है और ये क्वांटिटी एक एक करके नंबर ऑफ आइसक्रीम निकालें
जो भी नंबर ऑफ निकालना होता है उसके डिवाइड करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, मतलब शंकु का आयतन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही जानते हैं। अब 1/3 तो पता ही है क्या होगा, 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 2 का पुट कर देंगे यहाँ पे, और एच हाइट कितना है 7, ये कट जाएगा यहाँ से। अब क्या हो जाएगा टोटल एग्जैक्टली, तो 422 इंटू 4/3 इस तरह से आएगा। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितना बच्चे वो आइसक्रीम को ले रहे हैं, कितना बच्चे, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन एन निकालना है, 22 इंटू 22 इंटू 22 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वो आइसक्रीम डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 22 इंटू 4/3 था तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, एक तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये 11 इंटू 11 121 गुना 3 मतलब क्या हो जाएगा, 363। तो आप देख सकते हो आंसर क्या हो जाएगा, 363 सी नंबर। आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हो 12 सॉलिड स्फीयर, अब 12 गो छोटा गोला है सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम साइज आर मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर। अब क्या कर रहा है, छोटा 12 गो है गोला सेम साइज का, चलिए ठीक है, अब कितना 12 गो है गोला सेम साइज का, वो साइज नहीं दिया ठीक है, तो वॉल्यूम उसका रेडियस तो पता होना चाहिए, तो 4/3 पाई आर क्यू होगा उसका वॉल्यूम 12 गो। अब उसको मेल्ट करके क्या कर रहा है, मेल्टिंग सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 2 मीटर एंड हाइट 16 मीटर, द डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर इज, अब डायमीटर का डायमीटर निकालना है स्फीयर का, तो यहाँ दिया हुआ है क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे पाई तो है इंटू आर स्क्वायर कितना है, तो 2 सॉरी बेस डायमीटर 2 है तो 1 हो जाएगा ये, स्क्वायर इंटू एच 16 ऐसे रहेगा। अब ये दोनों इक्वल होना चाहिए, सिलेंडर का और स्फीयर का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए क्योंकि दोनों एक दूसरे से मेल्ट करके बना है, तो वी एस स्फीयर इक्वल टू वी सी, आप ऊपर भी देखे थे ये चीज़, इक्वल जैसे ही करेंगे 12 इंटू 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू पाई इंटू 1 का तो 1 होगा इंटू 16, अब देख लो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से 4 कटेगा और ये 16 है, 4 चौक 16 इधर से भी 4 चौक 16 इधर 16 कट गया, तो आपको क्या देगा वो आंसर, आर क्यू इक्वल टू 1, आर इक्वल टू 1 तो डायमीटर क्या देगा इसका 2, डायमीटर यही देगा 2 सेंटीमीटर, स्फीयर डायमीटर इज वा हाउ मच 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट विल गो, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ें आप उसको, ए होलो क्यूबिक, ए होलो क्यूब ऑफ इंटरनल एज, यहाँ पे एक मिनट मैं इसको इरेज कर लूँ, ए होलो क्यूब ऑफ इंटरनल एज ऐसे करके दिया हुआ है, इंटरनल एज राइट, देखिए यहाँ पे तो यस, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ए हॉलो क्यूब ऑफ इंटरनल एज द गिवन 22 सेंटीमीटर ऑफ इज फिल्ड विथ स्फेरिकल मेंबर्स ऑफ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर एंड इट इज
assume that 1 by 8 space of the cube remaining unfilled. क्यूब का सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे क्या, तो ए क्यू होता है वॉल्यूम क्यूब का, और यहाँ 22 सेंटीमीटर है तो 22 हो जाएगा क्यूब। अब यहाँ स्फेरिकल मेंबर ऑफ डायमीटर 0.5 दिया हुआ, उसमें कोई क्यूब है, ध्यान से पहले क्वेश्चन समझ लें, बनाना और समझना बहुत डिफरेंट है। ये क्यूब है समझिए, इसमें छोटा छोटा बॉल्स दिए हुए, ये बॉल जितना फिल करता है उसको क्यूब के वॉल्यूम का जो है 1/8 स्पेस बच जाता है, वो फिल करता है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि क्यूब का वॉल्यूम तो ये हो गया 22^3। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्फेरिकल, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। तो डायमीटर है तो 0.5/2 मतलब 1/4, 0.d = 0.5 ये दिया हुआ है, मतलब 1/2। अब इसमें r निकालें तो 1/4 ही होगा, 1/4 दे दीजिए यहाँ पे q। अब बोल रहा है, अब यहाँ बोल रहा है क्या कि देन द नंबर ऑफ मार्बल दैट द क्यूब कैन एक्यूमुलेटेड इज, मतलब वो क्यूब कितना नंबर, क्या कितना क्यूब उसमें होगा कि इतना खाली स्पेस बचेगा क्यूब का। तो हम क्यूब का वॉल्यूम जान रहे हैं और ये नंबर ऑफ ये भी जान रहे हैं, तो इससे हम घटा लेंगे क्या, 1/8 स्पेस उसमें रिमेनिंग बचता है, तो ये 4 क्या हो जाएगा, 4/3 πr, और ये क्यूब क्या हो जाएगा, 1/64 है ना, इक्वल टू 22^3 माइनस जो 1/8 स्पेस ऑफ द क्यूब रिमेनिंग अनफिल्ड, 1/8 × 22 क्यूब। अब ये कटेगा तो 16 है ना, ये n, दिस विल गिव n नंबर ऑफ, वन सेकेंड, ये दोनों बराबर होगा तभी जब कितना, ये क्या बोला, मेंबर इक्वल होगा, तो n मेंबर मान लेते थे, इससे n से गुण मल्टीप्लाई होगा है ना। ध्यान से देखो, ये वॉल्यूम मेंबर का वॉल्यूम है जो छोटा सा गोला है, आप ध्यान से देख सकते हो। अब ये वॉल्यूम जो था मेन था मेरा पोर्ट क्यूब, अब क्यूब का जो स्पेस बचता था वो ये है, और जो क्यूब का ओरिजिनल वॉल्यूम था ये था, तो जो गोले का वॉल्यूम था एक गोले का वो तो ये है। अब नंबर ऑफ गोला बोला तो एन से गुना कर दिए, अब एन का वैल्यू ही पूछ रहा है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो ये 4 से कटेगा तो 16 आएगा, और n इक्वल टू निकालना हो तो ये क्या दोनों उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 16 × 3 = 48 × अंदर क्या, तो 23 क्यूब इधर भी है इधर भी है, तो 23 क्यूब बाहर निकल जाएगा, 22^3 × 1 − 1/8 48 × 22 × 7/8 ये तीनों में 11 में डिवाइड कर देगा × 7, ये क्या आ जाएगा 48 × 11 × 11 × 11 × 7 टोटल कितना हो जाएगा वो आप बड़ा थोड़ा गुना है आप कैलकुलेट करिएगा अपने से गुना करके, पर मैं यहाँ पे चेक कर देता हूँ कि क्या होगा। फोर्टी एट इंटू सेवन
447216। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोर फोर सेवन टू वन सिक्स दिख नहीं रहा है, मे बी कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर होगा, पर बनेगा यही कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ। और यदि थोड़ा भी मिस्टेक हुआ है तो मैं आगे इसको डिस्कस करूँगा, आप चेक कर लो। थोड़ा ये लंबा ऑब्जेक्टिव है, कॉन्सेप्ट मैं बता दिया क्या, तो दोनों का वॉल्यूम निकालिए और एक एन फैक्टर आएगा जो उसे मल्टीप्लाई होगा, इक्वेशन वैसे ही तैयार होगा। एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यू। अब ये एन निकाल लेंगे, वी सी बाय वी एस, वही चीज़ किया था। तो आप इस तरह बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि टाइम बहुत ले लिया हूँ वीडियो में, और आप टाइम सफिशियंट रहता है यहाँ पे कि आप उसी टाइम में बनाए पूरा क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन देखे ध्यान से क्या कह रहा है, फिगर भी दे रखा है इन्होंने, क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर द बॉटम ऑफ द ग्लास हैज हेमी स्पेयराइज पोर्शन, इफ द ग्लास इज फिल्ड विथ ऑरेंज जूस द क्वांटिटी ऑफ जूस व्हिच ए पर्सन विल गेट, कितना क्वांटिटी जूस मिलेगा पर्सन को। तो यहाँ ध्यान से देखो, एक सिलेंडर में कुछ दिया हुआ है, अब पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे और हेमी स्पेयर का घटा देंगे, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बी सी सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट। अब यहाँ पाई आर 3 है इंटू एच 15 है, ये है हेमी स्पेयर का अलग होगा, इसलिए भी टोटल क्या हो जाएगा जो रेस्ट गेट करेगा, भी सी माइनस भी एच हेमी स्पेयर, तो पाई 3 स्क्वायर इंटू 15 माइनस 2 बाय 3 पाई आर क्यू, आर क्यू इट मीन्स 3 पर पावर क्यू। अब देख सकते हो पाई तो कॉमन होगा दोनों में, अब यहाँ 3 क्यू यहाँ 3, तो ये 9 कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ भी 27 कॉमन आ जाएगा, बचा यहाँ 5, 15 है तो 5 बचेगा, और माइनस यहाँ क्या बचेगा आपका, तो यहाँ पे देखिए आपका बचेगा 3, और इजी करने के लिए इसको भी स्क्वायर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा फिर से लिख देते हैं हम फटाफट थोड़ा स्पीड में, पाई इंटू 9 इंटू 15 माइनस 2, यही ना, पाई निकल गया, ये 3 का स्क्वायर 9 निकल गया, यहाँ 15 यहाँ 2, तो अब देखो 15 में 2 13 बचेगा, तो 13 इंटू 9 7 और फिर 9 पाई, सो क्यूब भी होगा सेंटीमीटर क्यूब, तो 117 सेंटीमीटर क्यूब कौन सा आ रहा है ये। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं कोशिश करता हूँ बनाने का, पर कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम ऐसा आता है कि आपको सोचना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है उस पर आप एक ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए ताकि आपको हमेशा प्रॉब्लम में अप्रोच करने में आपको सहूलियत आए। और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, यदि फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पे मैं शेयर पेज भी क्रिएट किया हूँ, उस पेज को शेयर करें फ्रेंड के साथ, आप जस्ट मेरा लिंक कॉपी करके आप अपने फेसबुक पे डाल के शेयर कर दें, ताकि आपके सारे फ्रेंड व्यू करें वीडियो। यदि व्यू करते हो फेसबुक से तो सब्सक्राइब जरूर करें,
फ्रेंड को जरूर बोलें सब्सक्राइब कीजिए मेरे सर के चैनल को, ताकि अभी स्टार्टिंग है, आपको ज़्यादा मैं कुछ दे नहीं पा रहा हूँ पर स्टार्टिंग है, मोटिवेशन मिलेगा तो ज़रूर मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है और आगे मैं लेके जरूर आऊँगा फ्यूचर में मोटिवेशन के लिए। आप ज़रूर मेरे को मोटिवेट करते रहें ताकि मैं और अच्छे से बनाता रहूँ वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।